जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भाई बहुत सारे डाउट थे यार स्टूडेंट्स के, बोल रहे थे कि भैया आईसीआर से एफिलिएटेड मेरे को यूनिवर्सिटीज बताओ, ठीक है। क्योंकि आपकी सीवीटी में आप सभी को पता है बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इंक्लूड है इस बार, और प्रीवियस ईयर में भी थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे गलती एक की हुई थी, आईसीआर चूज नहीं किया था। तो मेरे भाई सबसे पहले जब भी फॉर्म फिलअप करना तो इंडियन काउंसिल जो आपका एग्रीकल्चर है उसको जरूर चूज कर लेना। अगर आपने वो चूज कर लिया तो आगे की जो आपकी प्रोसेस चलेगी आईसीआर जब भी काउंसलिंग करेगा तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, अगर आप आईसीआर चूज करते हो तो, ठीक है। आपको पता है आपकी 70+ ऐसी यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज और 3 आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जिन सभी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे अगर आप आईसीआर चूज कर लेते हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम। और नहीं चूज करोगे, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रीवियस ईयर में गलती किया था, तो आप यहाँ पे ओनली कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिनके लिए आप एलिजिबल रहोगे। आप आईसीआर में कुछ भी नहीं कर सकते हो, जब भी उसकी काउंसलिंग होगी तो आप वहां पे जो है एलिजिबल नहीं रहोगे। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और बहुत सारी आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें थोड़ा सा आपको बचना है उन चीजों को, ठीक है। ऐसा नहीं है वो यहाँ पे गलत डिग्री प्रोवाइड कर रही है, बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है जहां तक कि आईसीआर से एफिलिएटेड जो बीएससी एग्रीकल्चर वो सबसे बेस्ट मानी जाती है, अगर आप प्राइवेट से कंपैरिजन करते हैं तो, ठीक है। नॉलेज वाइज आपको बहुत ज्यादा नॉलेज देखने को मिलेगा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट जो पढ़ रहा है उससे, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहा है उससे, ठीक है। बहुत सारे डाउट्स होते हैं, फील्ड का नॉलेज आपका बहुत अलग होता है, ठीक है। प्राइवेट में मुझे पता है कि क्या फील्ड का नॉलेज स्टूडेंट्स को मिलता है, कुछ गिनी चुनी आपकी एक दो यूनिवर्सिटीज है जो फील्ड का नॉलेज देती है, बाकी सब साफ है, ठीक है। तो इसलिए जो आईसीआर से अप्रूव्ड है उस यूनिवर्सिटी को चूज करो। मैं कुछ यूनिवर्सिटीज आपको बताऊंगा जो कि आईसीआर से एफिलिएटेड नहीं है, तो थोड़ा सा आपको इनमें जाने से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एडमिशन मत लेना, आपकी इच्छा है, बट मेरा काम यहाँ पे बताना है कि आपको ये जो आपकी यूनिवर्सिटीज है ये आईसीआर से एप्लीकेटेड नहीं है। देखो सबसे पहले जो आपकी 70 यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, आपको पता है आईसीआर में आपकी बहुत सारी, जैसे न्यू दिल्ली हो गया, बीएचयू हो गया, ये तो ऑलरेडी आपके आईसीआर से एप्लीकेटेड सब कैंपस है, ठीक है। तो इनके अलावा मैं एक बात और यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो आईसीआर आप लोग चूज करते हो उसमें जितनी भी 70 यूनिवर्सिटीज आती है वो सारी आईसीआर से एफिलिएटेड है, उससे डरने की अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे अदर यूनिवर्सिटीज भी हैं जिनमें आपको यहाँ पे जो बीएचयू ये आपकी आईसीआर से एफिलिएटेड है, नंबर आपकी यहाँ पे सेकंड आती है जो हेमंती नंदन बहुगुड़ा एक यूनिवर्सिटीज है, ये आपकी आईसीआर से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज नहीं है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर आपका विश्व भारती यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ये आपकी एफिलिएटेड है बीएससी एग्रीकल्चर की, आप इसको चूज कर सकते हो, ठीक है। और ये आपकी जो है आईसीआर के थ्रू भी आपको मिलती है, और सीयूटी के मार्क्स के बेसिस पर ही आपको यूनिवर्सिटीज मिलती है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे आपकी सीयूएसबी, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है साउथ बिहार में आपकी यूनिवर्सिटीज है, तो ये आपकी यूनिवर्सिटीज जो है आईसीआर से एफिलिएटेड नहीं है, तो इसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपकी जो है नागालैंड, ये आपकी एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटीज, बट अधिकतर स्टूडेंट्स थोड़ा सा आउट हो जाता है तो इसलिए इसको चूज नहीं करते हैं नागालैंड यूनिवर्सिटीज को। बाकी ये आपकी आईसीआर से एफिलिएटेड है और सीयूटी के मार्क्स के बेसिस पर भी मिलती है, और आपके जो आईसीआर के मार्क्स होते हैं उसके बेसिस पर भी यूनिवर्सिटीज आपको मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे विक्रम यूनिवर्सिटीज है जो कि उज्जैन आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये आईसीआर से एफिलिएटेड आपकी यूनिवर्सिटीज नहीं है विक्रम यूनिवर्सिटीज, ठीक है। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है बट आईसीआर से एफिलिएटेड नहीं है, तो आप इसको चूज कर सकते हो एज अ, बट आईसीआर से अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज, तो ये भी आपकी आईसीआर से एफिलिएटेड नहीं है, क्योंकि जो आईसीआर की लिस्ट आती है उसमें सब मेंशन रहता है भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में जो है आपकी एफिलिएटेड है कौन कौन नहीं है, ठीक है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज है आपकी, जो कि यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, तो आप इसको फिल कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट आपकी एक यहाँ पे जो है आप गांधी जो है ग्राम रूरल जो है इंस्टीट्यूट करके एक आपकी यूनिवर्सिटीज है, जो कि आपकी बीएससी एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे आईसीआर से एफिलिएटेड नहीं है। तो आप थोड़ा सा इन यूनिवर्सिटीज का भाई ध्यान रखना चूज करते टाइम, फिल करते टाइम। अगर आपको नहीं जाना है यूनिवर्सिटीज में तो मत फिल करना, आप आईसीआर को चूज कर सकते हो, ठीक है। और जो बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, आपको लगता है मेरे भाई कि मैं से एग्जाम नहीं निकलेगा, बहुत टफ है ये वो, बहुत सारे सुन, देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो आपके कितने भी मार्क्स हो वो आपको एडमिशन दे देंगे लास्ट टाइम पे, ये बात आप ध्यान रखना। लेकिन जो आईसीआर की काउंसलिंग चलती है उसमें मार्क्स आपके कम रहेंगे, रैंक बहुत कम रहेगी, तो लोएस्ट प्रोग्राम अलॉट होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। और बहुत सारे स्टूडेंट को एक डाउट और था
कि भैया ये आखिरकार आईसीएआर की जो 70 यूनिवर्सिटीज है क्या इनको अभी फिल करना है? इनको अभी फिल नहीं करना है, ओनली आपको आईसीएआर चूज कर लो, वो आपकी ऑटोमेटिक यूनिवर्सिटीज फिल हो गई। जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी उस टाइम पे आपको चॉइस फिलिंग वगैरह का ऑप्शन आता है, उस टाइम पे यूनिवर्सिटीज फिल करते हैं, ठीक है। तो आईसीएआर चूज करना है मेनली आपको, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बाकी आपको जो यूनिवर्सिटीज मैंने बताई इनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अगर आप एडमिशन लेने के इच्छुक हो तो आप फिल कर सकते हो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, है ना। और एक बात और आपको बता दूं, आप कंपेयर करके देख लेना, प्लेसमेंट भले ही आपको मतलब जो आपकी आईसीएआर से यूनिवर्सिटीज है उनमें बहुत अच्छे प्लेसमेंट मिलते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है मेरे भाई जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपको आराम से 20,000-30,000-40,000 पर मंथ का प्लेसमेंट करवाती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है एमपी में आपका जो है आप आईसीएआर के थ्रू जो यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट जाते हैं, जैसे तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया आपका, नावनी जो है गुजरात में है यूनिवर्सिटीज, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो गया, एनडीआरआई करनाल हो गया, यहाँ से अच्छे अच्छे प्लेसमेंट होते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। लेकिन जो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है इनका प्लेसमेंट रेशो बहुत कम भी है, आप इनको देखोगे इनकी ऑफिशियल साइट्स पर जाके इतना अच्छा प्लेसमेंट रेशो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सभी को पता है अगर एक स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर करता है वो क्यों करता है, कि भाई मेरी जॉब अच्छी तरीके से मेरे को जॉब अच्छी मिल जाए, ठीक है, और मैं अच्छा प्लेसमेंट मेरे को मिल जाए देखने को, यूनिवर्सिटीज अच्छी हो। तो वही चीजें हैं, आप 4 साल जिस यूनिवर्सिटीज में आप अपना टाइम स्पेंड करोगे यार, उसमें ऐसा तो नहीं करो कि आप अपना पूरा दिन यहाँ पर रूम पे पड़े रहो, कॉलेज आप जाओ नहीं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में मेरे भाई आज के टाइम में यही चल रहा है, ठीक है, कि सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एग्जाम देने जाना है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, इसके बाद आप फ्री हो, आपको यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, बस आप टाइम पे फीस फिल कर दो 50,000-55,000 रुपए और आप बिल्कुल फ्री हो, आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये फिलहाल में आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का चल रहा है। अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यार मेरे भाई, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, लेकिन गवर्नमेंट में पर्टिकुलर आप आईसीआर से जिस यूनिवर्सिटीज में जाते हो ना टॉप लेवल की, तो वास्तविकता में आप कुछ सीख के निकलते हो, ठीक है। जैसे तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो गया, बहुत टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, आईएआरआई, आप मैंने पॉडकास्ट डाल रखा है, आप एक स्टूडेंट का पॉडकास्ट देखना, ठीक है, बहुत कुछ इंप्रूवमेंट होता है। इसलिए बोलता हूं कि थोड़ा सा मेहनत करके बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाओगे तो हमेशा आपको एक एडवांटेज देखने को मिलता है। आप ये नहीं बोलोगे अपनी जिंदगी में कि मैंने बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया यार क्या ही कर रहा हूं। ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे फेक स्टूडेंट मिलते हैं यार जो सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर को हमेशा वे बोलते रहते हैं कि क्या ही प्रो कहां से कर लिया मैंने, एग्रीकल्चर कहां से ले लिया, ऐसा नहीं है मेरे भाई। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, अपने अंदर ढूंढो, सही चीजों को गाइडेंस करो, ठीक है, देखो चूज करो, जो जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दिया। खासतौर से सही यूनिवर्सिटी का चुनाव करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, तो सही से यूनिवर्सिटी को चूज करो, आईसीआर को जरूर चूज करना, क्योंकि 70 यूनिवर्सिटीज मतलब सीट बहुत सारी है अपने पास, बीएससी एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की, फॉरेस्ट्री, बीएफएससी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे प्रोग्राम हैं, ठीक है। तो अगर आप आईसीआर चूज कर लेते हो तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, तो इसको देखकर समझकर सारी चीज़ों को करना, यूनिवर्सिटीज को सही से चूज करना, सही यूनिवर्सिटीज में जाना, लास्ट ऑप्शन तो आपको पता ही है, ठीक है। अगर आपका टाइम निकल गया भाई, बहुत आपकी एज ज़्यादा हो गई है, लास्ट ऑप्शन फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी को चूज करो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को चूज करो, ठीक है। बाकी जो है जो इंपॉर्टेंट डाउट्स थे मे बी वो आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। जो भी डाउट है आप मेरे से आस्क कर सकते हो, और मैं आफ्टर लॉन्ग टाइम यहाँ पे आपके लिए वीडियोस लेके आया हूँ, तो आप रेगुलरली मे बी आपको वीडियोस देखने को मिलेगी, क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है, और जो भी डाउट्स हो आप आस्क कर सकते हो मेरे से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।